वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज घर में बनने वाला है डबल का मिठाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डबल का मिठाई बनाने। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान लगेगा। अब ये मैंने 1 लीटर दूध ली हूँ, 1 पाव चीनी ली हूँ और ये 10-15 ये इलायची है, 1 पाव मावा है, 1 काजू बादाम है और इधर ब्रेड है। तो इतना ब्रेड नहीं लगेगा इसमें, मैं जितना लगेगा उतना मैं बनाऊंगी और इसमें काजू बादाम को बारीक से कूट लूंगी। अब ये कढ़ाई मैं गैस पे रखती हूँ दूध गर्म करने के लिए। फिर इसमें मैं दूध रखूंगी कट करके। अभी दूध में जा रही हूँ गर्म करने दोस्तों, लेकिन ये दूध जो है ना फुल क्रीम ही लगेगा, फुल क्रीम वाला ही लेके आइएगा दूध, फिर अच्छा बनेगा यार। अभी अर्जेंट में कभी मावा नहीं मिलता है तो आप जैसे 1 लीटर में दूध ली हूँ तो आप 2 लीटर ले सकते हैं और उसको गर्म करके गाढ़ा कर दीजिएगा। जब तक इधर दूध गर्म हो रहा है जब तक मैं इलायची का बीज निकाल लेती हूँ, उसको मैं उसमें उखली में कूट लूंगी। इसमें तो इलायची के मैंने हुई बीज कूट ली हूँ, अब इसी में एक काजू बादाम रख के कूट लेती हूँ। दोस्तों अभी क्या होता है, मेहमान आ गया तो झटपट 10-15 मिनट के अंदर में ये मिठाई बना के और खिला दीजिए। अब खुद भी खा लीजिए, खाने का इच्छा रहता है मुझे कुछ मीठा खाना है तो चलो भाई 10 मिनट में बन जाता है मिठाई, बहुत टेस्टी बनता है। सकते हैं इसको दरदरा, ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, ज्यादा बारीक भी नहीं चाहिए और मिक्सर में भी पीस सकते हैं इसको। अभी दूध हो गया है गर्म और थोड़ा जलाना पड़ता है इसको, मैंने जला के भी हो गया है और ऐसे चलाते रहना है इसको, मलाई ना ऊपर बैठ रहे। अभी इसमें मैं शक्कर डाल देती हूँ, थोड़ा उबाल आ जाएगा फिर उसमें मावा डालूंगी। ये दूध उबल गया है, अभी इसमें मैं तोड़ तोड़ के मावा डाल दूंगी कि जल्दी गल जाएगा, ये तोड़ने से जल्दी गल जाएगा। अब इसमें मावा में डाल देती हूँ। इसको ऐसे चलाते रहिए दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिएगा, बना के खाइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब ये गल गया है मावा अच्छी तरह से, अब इसमें मैं डालूंगी काजू बादाम, आपके ऊपर है कितना डालना है और मीठा भी बहुत जने बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो अपने ऊपर है, ज्यादा खाना है कम खाना है उसके हिसाब से इसमें चीनी डालिएगा। और पूरा गल गया है, रेडी हो गया है डबल मिठाई का। अभी चलते हैं हम ब्रेड कट करने। अब इसको मैं ब्रेड को साइड का कट करके निकाल दूंगी। सारे ब्रेड को ऐसे ही कट करके निकाल लेंगे, जितना बनाना रहेगा उतने हम करेंगे कट।
पूरा इस तरह से कट कर लेंगे पूरा। ब्रेड कट करके हो चुका है, छोटे छोटे पीस ऐसे कट करना रहता है और ये साइड को निकालना रहता है। तो एक कर वाला निकाल दी हूँ मैं, अब इसको चलती हूँ बनाने। अब ये इसको ब्रेड कट करते करते थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसको मैं गरम कर रही हूँ। गरम हो गया है, अब इसमें डाल रही हूँ थाली में। क्यों गर्म ही डालना होता है, ठंडा डालेंगे तो फिर मावा जम जाएगा। ये पीस है, इसको ऐसे रखना है। अभी ये हो गया है रख के, अब उसके ऊपर फिर से मावा वाला हम ये रखेंगे। ये सब पे अच्छी तरह से होना चाहिए, भीगना चाहिए पूरा अच्छी तरह से। दुकान की मिठाई के जैसे एकदम टेस्ट आएगा इसमें। फिर इसके ऊपर से हम रखेंगे ये पूरा, इसमें अच्छी तरह से डूबना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आया खाने में। बस यही पूरा एकदम अच्छी तरह से डूबना चाहिए। जो लास्ट में बच जाएगा तो इसको ऐसे डुबा डुबा के उस पर रख देना है। अगर पहले भी रखना चाह रहे हैं आप तो पहले भी ऐसे डुबा के रख सकते हैं। दोस्तों अभी मेरा डबल का मिठाई हो गया है रेडी तैयार। अब इसको निकालिए, प्लेट में खाइए, आनंद लीजिए टेस्टी टेस्टी। दोस्तों अगर आप गरम गरम खाना चाह रहे हैं तो गरम गरम भी खाइए और फ्रिज में रख दीजिए, 3-4 दिन आप खा सकते हैं। तो डबल का मीठा तो बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप लोग भी घर में बनाइए और ट्राई कीजिए इसको बना के, और कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।